जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एमएलबी स्टडी में। सो गाइस, पिछले वीडियो में अपन ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखा था, तो उसी से एक बहुत अच्छी चीज निकल कर आती है जो कि हमारे को एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम पूरा माइंड के अंदर सेट हो जाएगी वो चीज। क्या है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, उसी को हिंदी में बोले तो ये होता है निकटतम पहुंच दूरी। देखिए क्या होता है कि पिछले पार्ट वीडियो में बताया था, इसमें फिर देखिए कि जैसे एक बार मैं एक चीज बता दूं आपको कि ये मेरे पास एक बुक है ना, तो अपने क्या कहता था पिछले वीडियो में कि माना था कि यहाँ ये देखिए, ये इसका इसके बिल्कुल सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है ना। तो क्लोजेस्ट अप्रोच दूरी समझने की कोशिश करना कि मान लीजिए ये अपना ये इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है, ठीक है, फिर जो कि यह यहाँ पर बीच में एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ बीच में, यहाँ पर ये यह देखिए पॉजिटिव चार्ज, तो जैसे ये गया ये भी पॉजिटिव है अल्फा पार्टिकल, तो क्या हुआ कि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये इससे कोलिजन तो नहीं हो पाएगा, क्या इससे टकराएगा इस न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस से तो नहीं टकरा पाएगा, इससे टकराने से पहले ही वापस वो लौट कर चला जाएगा। तो क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ डिस्टेंस क्या है कि जो डिस्टेंस है टकराने से पहले इस न्यूक्लियस की और पार्टिकल की, क्लोजेस्ट डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, वही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होती है, ठीक है। इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है ये देखिए, ये इससे नहीं टकरा पाए देखो, तो यही डिस्टेंस क्या होती है अपनी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। तो देखिए इसी को अपन किस प्रकार से नोट्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले हिंदी वाले बच्चे कैसे लिखेंगे कि जब अल्फा पार्टिकल प्रकीर्णन प्रयोग में जब अल्फा कण किसी सोने की पन्नी के पास में आता है तो वो न्यूनतम दूरी जहां से वो कण इस पन्नी से टकराए बिना ही वापस अपने जो पथ को वापस पथ को प्राप्त कर लेता है, उस में न्यूनतम दूरी को ही निकटतम पहुंच दूरी कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले कैसे लिखेंगे कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल वेयर द अल्फा पार्टिकल रिट्रेसेस इट्स इनिशियल पाथ इज नोन एज, क्या है इज नोन एज, क्या है ये वाली दूरी, ये इन दोनों के बीच की दूरी, देख रहे हो ये इन दोनों के बीच की दूरी, ये दूरी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, ठीक है। यहां से अपने पास अगर अपने को ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अपने को फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, देखिए कि सबसे पहले ये जो पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल, ये यहां इसकी जो बीम है ये जा रही है, तो अभी समझिए कि इसके पास सारी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। जब ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी इसकी गतिज ऊर्जा जब यहां पर इस न्यूक्लियस को ये जब इसकी सारी सारी गतिज ऊर्जा वापस ये लौटेगा तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, मतलब जब ये जा रहा है तो इसके पास पूरी काइनेटिक एनर्जी है, जब ये वापस लौटेगा तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी इस न्यूक्लियस को दे देगा, मतलब इन दोनों के बीच में जो कार्यक्रम हुआ दोनों ही पॉजिटिव चार्ज के बीच में, उस कार्यक्रम में सारा काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया और वो पूरा का पूरा किस में चेंज हो गया, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो तब जाके अपने को क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच प्राप्त हुआ। तो देखिए कि ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पॉजिटिव एनर्जी, जब दोनों एनर्जी इक्वल हुई इस जगह जाकर तभी तो ये वापस लौट गया है ना। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है और पोटेंशियल एनर्जी हमारे को पता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर नोट होता है, ठीक है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर नोट होता है। तो अभी अपने को क्या लिखना है कि इस आर नोट, अभी अपने को ये आर नोट फाइंड करना है क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ डिस्टेंस। तो अगर इसको फाइंड करना है तो मैं इसको इधर लेके आया और इस पूरे को यहां लेके आया, ठीक है, यहां यहां पर मल्टीपल में था तो ये डिवाइड में आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ देखिए कि अब Q1 कौन सा चार्ज है, Q1 मान लिया हमने ये 2e, मतलब जो ये अल्फा पार्टिकल आ रहा था ना इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो QE इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वाले चार्ज हो गए, ठीक है। उसके बाद सेकंड JD, ये किसका चार्ज है, JD इस गोल्ड फॉइल का, JD गोल्ड फॉइल का चार्ज है, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहां पर Q1 की जगह 2e लिख दिया और बाकी JD लिख दिया, फिर 2 जेड ई स्क्वायर, ई और ई ये स्क्वायर हो गया और यहाँ पर के आ गया, के क्या है ये कॉन्स्टेंट है, क्या वन पॉइंट फोर बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, 9×10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और बाकी ये इसी को वापस अपने काइनेटिक एनर्जी लिख लिया गतिज ऊर्जा,
किसी भी कण की, तो ये अपनी होगी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, आशा करूंगा अच्छा से समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना अगर अच्छा लगे तो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत दोस्तों।